मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर प्रशिक्षण संपन्न होने पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम में पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने सभी को बधाई दी और ये कहा कि वे हर क्षेत्र में विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं। आज आर्यभट्ट स्कूल में एम्पावर फाउंडेशन द्वारा यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छे से रही। सबकी जर्नीज बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस उन लोगों के सुने और ये तय किया कि सब महिलाओं का कि एक अकेली ही चली थी मैं मंजिल और काफिला बढ़ता चला गया। तो जो एक्सपीरियंसेस है फाउंडेशन जो सराहनीय कार्य कर रही है मुझे लगता है कि महिलाओं को इससे जुड़ना चाहिए। पंख ये फाउंडेशन दे रही है, उड़ान उन लोगों को भरनी है। एम्पावर फाउंडेशन की टीम से आए नितिन धवन ने महिलाओं को मेरा बिजनेट के बारे में विस्तार से बताया कि किस प्रकार वे आने वाले समय में महिला उद्यमियों का सहयोग करेंगे। मेरा बिजनेट से हूँ जो कि एम्पावर प्रगति के साथ में एसोसिएटेड है और ये जो हमारा विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है उसी को एक्सटेंड करते हुए मेरा बिजनेट एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें पहली ट्रेनिंग के बाद में इनको विमेन को कंटिन्यूस सपोर्ट दिया जा सके, उनको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको सुन के समझ के उनसे ही उनके रास्ते खुलवाने का मेंटरिंग के ज़रिए एक कंटिन्यूस प्रोग्राम रहेगा और उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए नए पार्टनर्स दिलवाए जाएंगे, उनको सेल करने के लिए नई मार्केट्स खोली जाएंगी। तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जो कि पूरे देश भर में जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें विमेन को जोड़ते हुए देश भर में नए पार्टनर्स जोड़ते हुए मेंटर्स जोड़ते हुए क्या क्या नई स्कीम्स आ रही हैं गवर्नमेंट की जो कि इनको सपोर्ट कर सकती हैं अलग अलग चीज़ों में। मुख्य अतिथि प्रिया अग्रवाल लोकल फॉर वोकल के मंत्र ODOP को बढ़ावा दिया और कहा कि एम्पावर फाउंडेशन महिला विकास के लिए जो कार्य कर रहा है उसमें उनके द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। उद्यमी अभिषेक अग्रवाल ने भी महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की प्रशंसा की। आज एम्पावर फाउंडेशन का फर्स्ट बैच कम्प्लीट हुआ है संकल्प के नाम से, उसी का आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन था। एम्पावर फाउंडेशन बेसिकली लेडीज के लिए प्रोग्रेस का काम करता है, इनको लेडीज़ को सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें सेल्फ डिपेंड होकर काम करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, भले ही वो जॉब हो या कोई सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस हो। तो उसी के लिए ये कंपनी ये सोसाइटी अपने काम करती है जिससे लेडीज़ का उद्धार हो और वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होकर मजबूत बने। आज उसी कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ पर मौजूद था जिसका आयोजक मिस्टर प्रियांग ने किया था और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। टाइम टू टाइम ये करते रहते हैं, इनके डिफरेंट बैचेस निकलते हैं जिससे वुमेन को बेसिकली जो इंडिया में हमें बहुत रिक्वायर्ड है उनको सेल्फ डिपेंड होने का ट्रेनिंग दिया जाता है। उड़ान हौसलों की समिति के स्पर्श गुप्ता ने अपने NGO के द्वारा किए जा रहे कार्य व एम्पावर के कार्य की बात की। और आज जो एम्पावरमेंट फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था इसमें जो वुमेन एंटरप्रेनर हैं मुरादाबाद के जो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं वुमेन महिलाएं जो घर में हैं घर गृहस्थी में जुड़ी हुई हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एम्पावर फाउंडेशन जो वर्क कर रही है उनको लोन प्रोवाइड कराना उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना आज बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जिसमें 30 महिलाएँ जो मुरादाबाद महिला उद्यमी हैं जो अनेक अलग अलग अपनी डिफरेंट फील्ड में कोई हैंडीक्राफ्ट में काम कर रही हैं कोई ब्यूटी में काम कर रही हैं कोई घर गृहस्थी के और भी बहुत छोटे छोटे वर्क करके अपने परिवार को सशक्त बनाने के लिए और अपने पूरे देश में एक अपना एक एग्जाम्पल बन रही हैं कि महिलाएं भी किसी से भी कम नहीं हैं। सर सैयद सोसाइटी से सलमा जी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अगर कोई महिला ठान ले तो वो कुछ भी मुकाम हासिल कर सकती है। अंत में एम्पावर फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथा दत्त ने सभी का धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी इसी योजनाओं से जोड़ने के लिए महिला उद्यमियों से अनुरोध किया और बताया कि एम्पावर फाउंडेशन भविष्य में ऐसे अनेक कार्यक्रमों की योजना बना रहा है। हेड ऑफिस से आए मोइनुद्दीन ने सभी अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत किया। अंत में प्रोजेक्ट लीड विकास पुंडिर ने सभी अतिथियों का अपने कीमती समय को देने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन लोकेशन प्रोजेक्ट लीड मुरादाबाद प्रियंक तोमर ने किया और दिल्ली से आई सभी टीम और अन्य प्रतिभागियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ट्रेनर प्रशांत सिंह रॉबिन सिंह का विशेष सहयोग रहा।
मैंने एम्पावर फाउंडेशन से कोर्स किया है जी, ये 56 डेज का कोर्स है लगभग 3 महीने का, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हम अपना बिजनेस कैसे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे किसी भी लाइन में आगे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जो भी महिलाएं दूर हैं मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, एम्पावर फाउंडेशन को ज्वाइन करें, इस एनजीओ से आएं, जुड़ें और आगे आके अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकती हैं वो सीखें। और मैं जो हूँ, मेरा अपना पार्लर है और मैं यहाँ पर एम्पावर फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। मेरा आज कोर्स कम्प्लीट हुआ है और जिसके सर्टिफिकेट वितरण के उसमें मैं यहाँ आई हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बहुत अच्छे सक्सेसफुली होके यहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट किया है। और इन सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं प्रियांक सर और प्रशांत सर का, और एम्पावर फाउंडेशन का भी, जिन्होंने हमें इतने अच्छे मेंटर्स जो हैं हमें प्रोवाइड करे, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।